सुबह से लगी हुई थी, अब जाकर घर का सारा काम खत्म हुआ है। चलो ये है, हो गया। अब बहुत दिन हो गए अपनी फ्रेंड पूजा से बात किए हुए, आज कर लेती हूँ। किसका फोन आ गया? ओ, मेरी फ्रेंड का है तो। हेलो हेलो, हाँ प्रियंका, हाँ पूजा, ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, तू सुना? हाँ मैं भी ठीक हूँ। और घर का सारा काम हो गया? मेरा तो सारा काम हो गया। देख लेना कभी घर का काम पड़ा हो और फिर मन बाद में गाली देवे कि मेरा उसका फोन आया था, मेरा सारा काम ऐसे ही छूट गया। ना ना, मेरा तो सारा काम हो गया, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, किचन में दूध रखा हो तो एक बार चेक कर लेना, कभी दूध ही निकल जाए, फिर बोले कि उसका फोन आया था, मेरा तो सारा ही दूध निकल गया। अरे नहीं नहीं नहीं, रखा है मैंने दूध, मेरा सारा काम हो गया है, मैंने बताया ना आपको। और आप एक बात बताओ, आपने मेरे से बात करने के लिए फोन किया है या अपनी सोच मेरे ऊपर थोपने के लिए फोन किया है? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो बुरा मान गए, गुस्सा बहुत जल्दी कर जाते हो आप, गुस्सा करना ज्यादा सेहत के लिए हानिकारक होता है। नहीं नहीं, आपका लगता है मूड खराब है, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, बच्चे आ गए स्कूल से, मैं भी देख लेती हूँ, अभी आपका मूड खराब है, बाद में बात करती हूँ मैं। लो अब फोन काट दिया, जब बात ही नहीं करनी थी फोन क्यों किया? पता नहीं लोग बात करने के लिए फोन करते हैं या बात मारने के लिए फोन करते हैं, कुछ नहीं समझ में आता आजकल का।